हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने लगे 2017 मॉडल होंडा सिविक VTI ओरियल प्रोस्मेटिक का। तो आइए जी, बगैर टाइम जाए कि वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले चलते हैं इसके फ्रंट की तरफ, पहले चलते हैं इसके हेडलाइट की तरफ। हेडलाइट में यहाँ पर DLLs हैं, यहाँ पर साइड टर्न इंडिकेटर्स और दो हेलोजिन बल्ब हैं, जो कि एक हाई है एक लो है। बिल्कुल नीचे अगर आप इसके देखें तो फोग लैंप्स हैं। आप चलते हैं इसकी फ्रंट ग्रिल की तरफ। इस गाड़ी में आते हैं दो वेरिएंट, एक आता है 1.5 टर्बो, दूसरा इसमें जो ये है 1.8 ओरियल प्रोस्मेटिक। ये वाले वेरिएंट में जो इसकी फ्रंट ग्रिल है वो आती है क्रोम में, मैंने इसको ग्लॉसी ब्लैक करवाया हुआ। ओरियल में ये क्रोम आती है। इसके साथ ही साथ बिल्कुल अब ये होंडा का लोगो ग्रिल के ऊपर ही बैजिंग। बिल्कुल नीचे अगर आप इसके देखें फ्रंट कैम, गाड़ी के फ्रंट माशाल्लाह ओवरऑल बहुत प्यारा है। अब चलते हैं ये गाड़ी की साइड लुक की तरफ। साइड लुक में सबसे पहले अगर आप देखें तो ये आपको मिल जाते हैं साइड टर्न इंडिकेटर्स, जो कि ये साइड मिरर्स पर भी मौजूद है LED। हाँ जी, तो अब चलते हैं गाड़ी के रिमोट टायर के साइज़ की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं इसमें रिम आता है 16 इंच का और टायर साइज इसका 215x55। अलॉय व्हील का डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, जो कि गाड़ी की साइड लुक को बहुत खूबसूरत बनाता है। अब चलते हैं गाड़ी के बैक लुक की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं बैक लुक भी फ्रंट की तरह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो ये जो है इसमें सारी LED लाइट्स हैं, ये ब्रेक लैंप, नीचे रिवर्स की लाइट। बिल्कुल इसके साथ आपको मिलती है जी 1.8 IVTEC ओरियल की बैजिंग। इससे अगर आप आगे जाएँ तो ये होंडा की बैजिंग। बिल्कुल इसके नीचे बैक कैम, गाड़ी में स्पॉइलर लगा हुआ है जी, ये भी आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, 1.5 टर्बो को लग गया था ये। इसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो इसका रूफ भी ब्लैक है, जो कि ग्लोसी ब्लैक मैंने करवाया हुआ। अब हम आ चुके हैं जी गाड़ी के इंजन की तरफ। अगर इंजन की बात की जाए तो इसमें आता है जी R18 इंजन, 140 हॉर्स पावर, 173 न्यूटन मीटर टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ यहाँ पे है जी बैटरी, बिल्कुल साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे प्लग्स हैं। इसके साथ साथ आपको ये वाइपर्स की वाटर बॉटल मिल जाती है। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब चलते हैं ये गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में आपको स्मार्ट एंट्री और जिसे कीलेस एंट्री भी कहा जाता है वो मौजूद है। साथ ही साथ अगर आप इसकी की को देखें तो इसमें ट्रंक ओपनर भी है, ये अनलॉक, ये लॉक। तो आप चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। इसमें आपको कोई चाबी से अनलॉक या लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऐसे रखना हाथ तो ये गाड़ी ओपन हो गई। आप चलते हैं गाड़ी के फ्रंट दरवाजे की तरफ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं क्रोम साइड हैंडल है। बिल्कुल अगर आप इसके नीचे देखें तो इसके जो फ्रंट टू मिरर्स हैं वो ऑटो हैं। इसके आगे व्यू मिरर्स लॉक, साइड लॉक अनलॉक, ये सारा सेटिंग मिरर की, ये रिट्रैक्टेबल मिरर्स का बटन। अच्छा, इसमें दो कैटेगरीज आती हैं गाड़ी की पोशिश में, ये फैब्रिक है, एक इसमें UG भी आती है। तो ये जिसका रिव्यू करें हम, ये फैब्रिक है। साइड लुक भी माशाल्लाह काफ़ी प्यारी है डोर की। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। चलते हैं गाड़ी के फ्रंट दरवाजे की तरफ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं क्रोम साइड हैंडल है। बिल्कुल अगर आप इसके नीचे देखें तो इसके जो फ्रंट टू मिरर्स हैं वो ऑटो हैं।
इसके आगे व्यू मिरर्स लॉक, साइड लॉक अनलॉक, ये सारा सेटिंग्स मिरर की, ये रिट्रैक्टेबल मिरर्स का बटन। अच्छा, इसमें दो कैटेगरीज आती हैं गाड़ी की पोजीश में, ये फैब्रिक है, एक इसमें यूजी भी आती है। तो ये जिसका रिव्यू करें हम, ये फैब्रिक है। साइड लुक भी माशाल्लाह काफ़ी प्यारी है दौड़ की। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। हाँ जी, तो अब हम आ चुके हैं डैशबोर्ड की तरफ। अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये रहा जी पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन। बिल्कुल नीचे आप इसके देखें तो ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, उसके नीचे बोनट ओपनर, बिल्कुल इंटीरियर भी एक्सटीरियर की तरह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल यहाँ पे अगर आप स्टेयरिंग पे राइट साइड पे देखें तो ये रहे जी क्रूज कंट्रोल के बटन्स, स्टार्ट स्टॉप रीसेट कैंसिल क्रूज। बिल्कुल अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे मल्टीमीडिया स्टेयरिंग प्लस वॉल्यूम अप डाउन, अगर आपने कोई सॉन्ग चेंज करना है तो लेफ्ट राइट। इसके साथ अगर आप हम देखें तो इसमें क्लाइमेट कंट्रोल ऐसे आता है। दो एयरबैग्स हैं जी गाड़ी में, एक है जी स्टेयरिंग में, दूसरा ये डैशबोर्ड में। ये है जी लिखा हुआ SRS एयरबैग। अगर हम बात करें इसकी स्पेस की तो काफ़ी है इसमें माशाल्लाह, अच्छी जगह है, काफ़ी चीज़ें आप रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जी इसके मोड्स की, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, डी, स्पोर्ट्स, लॉन्ग। बिल्कुल साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको मिलता है ब्रेक होल्ड का बटन, यहाँ पे पार्किंग का बटन, हैंड ब्रेक, यहाँ पे आपको मिलता है इको, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ अगर आप ऊपर देखें तो आपको यहाँ पे मिलते हैं दो रीडिंग लैंप्स। साथ ही साथ ये आपको यहाँ पे मिल जाता है सनरूफ का बटन, ओपन क्लोज। बिल्कुल साथ अगर आप इसके देखें तो यहाँ पे आपके पास मिरर मौजूद है, लेफ्ट और राइट दोनों पर आपके पास मिरर मौजूद है। और बिल्कुल साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको मिलते हैं चारों तरफ डोर हैंडल्स, चारों दरवाज़ों पे, जो कि आमतौर पे दो या तीन होते हैं मैक्सिमम एक गाड़ी में, इसमें चारों साइड्स पर हैं। अगर हम बात करें इसमें कंसोल की इसके, तो कंसोल में सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कप होल्डर, और ये काफ़ी अच्छी स्पेस है। साथ जो 1.5 टर्बो है उसमें यहाँ पे स्क्रीन आती है, ये 1.8 ओरियल है। तो इसमें करते हैं जी गाड़ी को स्टार्ट। सबसे पहले आपने ब्रेक पे पैर रखना है, उसके बाद आपने इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दबाना। गाड़ी का मीटर भी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है, ये आप देख सकते हैं। यह है जी रिट्रैक्टेबल का बटन। आप चलते हैं जी गाड़ी के मीटर की तरफ। तो यह मीटर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाते हैं हीट एंड कूल के इग्निशन, राइट साइड पे आप देखें तो पेट्रोल, सेंटर में डिजिटल स्पीडोमीटर, उसके नीचे माइलेज, उसके नीचे ट्रिप। तो अब बात करते हैं जी गाड़ी की फ्यूल एवरेज की। फ्यूल एवरेज ये गाड़ी आपको तकरीबन लाहौर में, अगर आप शहर में चलाएं तो ये एवरेज देती है 8 से 10 किलोमीटर आराम से। अगर आप लॉन्ग पे लेके जाएं तो 16 से 17 तक इसकी एवरेज है। तो आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है,